हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में, इट्स कोमल ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो आज संडे था तो सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ बनाया जाए। तो हम लोग मींस मैं आज छोले भटूरे बनाऊंगी, तो आप लोगों को उसकी रेसिपी बताऊंगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं छोले भटूरे रेसिपी। तो गाइस, मैंने मैदा ले लिया है दो आदमी के अकॉर्डिंग, और इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड डाल रही हूँ, फॉर्चून का है, इसको मोइन करने के लिए। देन उसके बाद मैं इसको ना दही से गूंदूंगी, दही से थोड़े भटूरे फूले फूले बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, इससे एकदम स्टफ बहुत अच्छा लगता है पूरी का जो होता है ना। और फिर उसमें थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल पानी नहीं लेंगे, थोड़ा सा हल्का गुनगुना लेंगे, जिससे कि जो हमारा और भी भटूरे अच्छे और फूले फूले एकदम बने। उसके बाद आप गून लेंगे, तो गूनने के बाद आपको इसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए रख देना है। तो गाइस, ये मैंने मैदा को गून लिया है, अब इसको हम 15 टू 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस, मैदा को हमने रख दिया है, तो अभी हम छोले बनाने के लिए आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये छोले, इसमें मैंने ब्लैक चने भी मिक्स किए हैं, अच्छा लगता है टेस्ट। और मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए 4, और टमाटो, लहसुन और अदरक। और तो मैंने प्याज को छील लिया, लहसुन छील लिया, मिर्चा वगैरह सब कुछ धो लिया। तो अब मैं चोप करूँगी। एक्चुअली मैं मिक्सर में ग्राइंड नहीं करती, क्योंकि उससे टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं चोपरी में ग्राइंड करूँगी। तो इसको मैं मोटा मोटा काटूँगी। देन मैं इसमें हरी मिर्च भी ऐड करूँगी, साथ में अदरक और लहसुन। देन मैं अभी उसके बाद फिर मैं इसको चोप करूँगी। अपने अकॉर्डिंग आप लोग चोप कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा मोटा ही रखूंगी। सी, ये हो गया अच्छे से। तो टमाटो को धो लिया मैंने, देन इसको भी चोप भी करूंगी मैं। ये हो गया, मैंने इसको भी थोड़ा मोटा ही चॉप किया है। तो मैं आप लोगों को मसाले बता देती हूँ क्या क्या लेना है। तो मैंने धनिया पाउडर लिया 1 चम्मच, और गरम मसाला थोड़ा सा यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, आप लोग कर सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। चिल्ली पाउडर ये भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है। और थोड़ा सा सब्जी मसाला, देन हल्दी, और इसी में नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार। और जो एक्स्ट्रा है वो है चना मसाला, साई चना मसाला लिया है मैंने, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, कुकर रख दिया है मैंने। अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, अपने अकॉर्डिंग डालूंगी। हम लोग ज़्यादा तेल ऑयली फूड पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा ही डालूंगी। और उसमें ऐड करूंगी जीरा, और हींग तो ज़रूर ऐड करना चाहिए किसी भी खाने में, जैसे छोले, राजमा, इसमें जो भी मतलब जो भी हम लोग मसाले वगैरह डालते हैं इसमें, मतलब कि कुछ इसमें औषधि गुण होता है, जिससे कि आपका पेट वगैरह में कुछ मतलब नुकसान ना करे, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए।
अब इसमें मैं ऐड करूंगी जो मैंने ऑनियन चॉप किया था, मैंने ऑनियन ऐड करा। अब इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे हम लोग। मैंने लहसुन और जो अदरक का पेस्ट था वो भी इसमें ऐड करा हुआ है, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। अभी ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो टमाटो का जो मैं बनाया था, चॉप किया था। एक्चुअली इसको पेस्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने पेस्ट नहीं बनाया, आप लोग की मर्जी बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। इसको भी मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिए 5 मिनट के लिए कि टमाटर का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए, फिर इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये हो चुका है हमारा, टमाटर थोड़ा सा गल चुका है, तो उसमें मैं जो मसाले मैंने बाउल में निकाले थे वो इसमें डालूंगी। तो हम मसालों को भूनने देंगे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स तक, कि जिससे हमारे टेस्ट कच्चा ना आए मसालों का, और अच्छे से फ्राई भी हो जाए और सब्जी का जो छोले का टेस्ट है वो अच्छा है। तो गाइस मसाले मैंने भून गए, मतलब भून लिए हैं, और इसमें अब देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो इसका मतलब मसाले भून चुके हैं हमारे। अब मैं इसमें चने ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने हल्दी इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि छोले आपको पता होंगे ब्लैक ही होते हैं तो अच्छे लगते हैं, और चना मसाला की वजह से और भी थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। तो अब मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग जितना आप लोगों को ग्रेवी चाहिए आप लोग उतना पानी इसमें डालिए। ये मैंने पानी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा ग्रेवी होता है तो अच्छा भी लगता है। देन अब हम इसको कुकर बंद करके मीडियम फ्लेम पे 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद तब तक ये बन रहे हैं, तो आइए तब तक भटूरे बनाते हैं हम लोग, मीडियम फ्लेम कर रखा है। चलिए, तो गाइस कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया और ये रहा मैदा, अच्छे से हमने इसको छोड़ दिया था। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। सी अब इसको हम लोग थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तो ये मेरे भटूरे का शेप एकदम, मैंने सर्कल नहीं रखा। तब तक कढ़ाई गर्म हो चुकी है, पहले मैं थोड़ा सा डाल के देखती हूँ कढ़ाई गर्म हुई कि नहीं। बस कढ़ाई गर्म हो गई है, तब मैं इसमें डालूंगी अपना जो मेरा भटूरा है, देखते हैं फूलता है कि नहीं। तो ये आ गए फूले फूले भटूरे। सी गाइस, तो देखिए गाइस भटूरे मेरे फूल रहे हैं, और मैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बना रही हूँ जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है, क्योंकि हमें घर पे खाना है तो छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, मुझे ज़्यादा बड़े पसंद नहीं है। तो सी गाइस ये देखिए भटूरे, फूले फूले भटूरे। इसलिए आपकी मर्जी है, आप लोग कितना भी साइज का बना सकते हैं, तो मैं मीडियम से भी थोड़ा कम बना रही हूँ, स्मॉल। भटूरे बनाओ और भटूरे फूले ना तो मज़ा ही ना है। तो सी गाइस, तो ये हो गया, हमारे भटूरे भी बन चुके हैं। तो गाइस अब देखते हैं हमारा छोले कैसे बने हैं, देखने में तो टेस्टी लग रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मैंने ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाया। सी गाइस इसको थोड़ा सा मैश भी कर देंगे चम्मच से, कि थोड़ा सा ग्रेवी थोड़ा थिक बने। हो गया, तो ये हमारे छोले भी रेडी हैं और भटूरे भी रेडी हैं। तो गाइस फाइनली मेरे छोले भटूरे बन चुके हैं, और फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मतलब मैंने भटूरे ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए, एकदम मीडियम से भी स्मॉल बनाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना स्मॉल पसंद है, कहते हैं मार्केट में बड़े बड़े मिलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, तो छोटे छोटे बनाना, तो इस वजह से मैंने पूरी के शेप में बनाया। तो आप लोग चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं।
तो आइए मैं आपको अपने फाइनल लुक दिखाती हूँ कि भटूरे कैसे बने हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं और क्या, और बनाइएगा घर में, और अगर आप लोग को मेरे हाथ का खाना है तो मेरे घर आइए, आप लोगों का वेलकम है, और खाइए, नहीं तो आप लोग घर में ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने हैं। वैसे इसका टेस्ट तो पता नहीं लगेगा, बस आप लोगों को देखना है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दिखाती हूँ। सी गाइस, ये मेरे भटूरे मीडियम साइज से भी स्मॉल है, और ओनियन, और ये मेरे छोले। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। तो अब ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके, रेसिपी लेके, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी, क्योंकि मेहनत तो पूरी कर रही हूँ मैं, अपना घर भी देख के, फैमिली देख के, और YouTube को भी अपना टाइम दे रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, एडिटिंग करने में, और रोज़ रोज़ डालना इम्पॉसिबल हो जाता है वीडियोज़ ना, तो लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, अपना बेस्ट देती हूँ। बाकी आप लोगों के हाथ में, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा मेरा छोले भटूरे। बाय बाय।